Okay, good morning of student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. So student, today date is 7-9-2020 and I am teaching you chapter number. Which chapter? Chapter number 13. And I am teaching you chapter number 13. And so what was the name of the chapter? The name of the chapter is Our Community. So name of the chapter is Our Community. Okay student, let recapitulate what we have done in our previous video, then we will continue the today video. Okay, in a previous video, student, after solving the book exercises of the chapter 13, we have completed question number 8, that is MCQ question. It means the four options are given for one answer and you have to choose the right one. After that, we have completed the fill in the blanks of the chapter. Then question number C, state whether the statement is true or false. And after that, we have also completed question number D, answer the following question. What is a community? Ab aap sabko yaad ho gaya hoga. What is a community? Community is a place where group of people live together. Is it clear? What is community? A community is a place where group of people live together. Then next question is what is a langar and give an example. Okay, it is a community eating. Langar kya tha? Bahut se log, whether they are belonging to any religion, any caste, any gender, anyone can eat. Such a community eating, that is known as langar. And this word is used in which religion? This word is used in Sikhism. ठीक है, जो सिख लोग ये वर्ड यूज करते हैं गुरुद्वारे में जो लोगों को खिलाया जाता है, कम्युनिटी ईटिंग जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंगर्स बोलते हैं. जैसे इन एरियों में, यूपी एरियाज में हम लोग भंडारा बोलते हैं कि आज भंडारा है. ठीक है, भगवान की पूजा की है. जैसे होता है ना, नवरात आते हैं तो मैनी पीपल्स वर्शिप देवी माँ, तो उनके भंडारे होते हैं. ठीक है, इन द सेम मैनर पंजाब में जो रिलीजन है सिखिज्म है, जो सिख लोग हैं गुरुद्वारा में जो कम्युनिटी ईटिंग कराते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंगर्स बोलते हैं. इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ द रा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रा वर्ड अब आई थिंक हर किसी को क्लियर हो गया होगा. रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, वी आर लिविंग इन स्मॉल साउंड, लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया दैट इज नोन एज अ कॉलोनीज. ठीक है, सारे कॉलोनी के पार्टिकुलरली अलग अलग नेम्स हैं. ठीक है, सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल दोज आर लिविंग इन दैट कम्युनिटी और इन दैट एरिया, वट फैसिलिटीज वी कैन प्रोवाइड, वट फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड टू दोज पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया सो देयर लाइफ इज मोर कम्फर्टेबल. सो ऐसा क्या होता है कि जहाँ हम लोग छोटे छोटे कॉलोनीज में बनाते हैं तो वही कॉलोनीज के मेंबर्स क्या है, कमेटीज बनाते हैं. ठीक है, वही मेंबर्स आपस में चूज किए जाते हैं उन्हीं मेंबर्स में. देयर आर सम मेंबर्स हु मेक्स अ कमेटी एंड आफ्टर दैट ड्यूटीज आर गिवन टू दिस मेंबर. अब ड्यूटी देने से यह मतलब नहीं है कि दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल. दे डू देयर ड्यूटी बट विद द हेल्प ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है, ये नहीं ड्यूटी दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. एंड इवन वी आर पेइंग फॉर दैट. तो और रोल 4-5 पॉइंट्स दैट इज गिवन इन योर बुक दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ऑन द बोर्ड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए रा दैट वी हैव डिस्कस. नाउ स्टूडेंट फ्रॉम द न्यू पेज राइट क्वेश्चन नंबर ई लॉन्ग आंसर फ्रॉम द न्यू पेज. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर वन, स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर वन. इज इट क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी सर्विसेज?
शॉर्ट में क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी, वो क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है, द ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन ए पर्टिकुलर एरिया। अब ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी सर्विसेज, मतलब व्हाट आर द फैसिलिटीज विच वी कैन प्रोवाइड टू द पीपल लिविंग इन दैट एरिया सो देयर लाइफ इज easier and more comfortable। तो ये सब तो होगा क्या, facilities means क्या सुविधाएं उनको provide की जा रही हैं जिससे कि उनकी life better हो सके, is it clear? तो what do you mean by what do you mean by community services? Okay, I write the answer, note down, then I give you the explanation. A community need some services. To keep the community clean. And makes lives of the people living there comfortable. This is your first point. Second point, these services are medical services, public transport waste disposal water supply security banking etc.
देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ठीक है, ये यहीं से चैप्टर की स्टार्टिंग की थी मैंने, ठीक है, फ्रॉम हियर आई स्टार्ट टीचिंग यू द चैप्टर। सबसे पहले मैंने तुम लोग को इस चैप्टर की पॉइंट क्या स्टार्ट की थी बताई थी, तुम लोग पता नहीं, आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर इट और यू फॉरगेट। मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले थ्री वर्ड्स को समझो, व्हाट आर नेबर, देन नेबरहुड एंड देन नेबरहुड प्लेसेस और फिर नेबरहुड सर्विसेज, ये फोर पॉइंट्स थे। नेबर द पर्सन वेयर यू आर लिविंग इन हाउस, देयर आर मेनी हाउस अराउंड योर हाउस, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड दैट मेंबर हु आर लिविंग इन अदर हाउसेस नियर देयर हाउस, दैट इज देयर नेबर, इज इट क्लियर, दैट इज देयर नेबर्स, पड़ोसी है तुम्हारे। नेबरहुड वेयर यू आर लिविंग, व्हाट आर द एरिया अराउंड वेयर यू आर लिविंग, दैट इज देयर नेबरहुड प्लेसेस, वही आपकी नेबरहुड प्लेसेस हैं। आफ्टर दैट देखो मैंने डिस्कस की थी व्हाट आर द नेबरहुड सर्विसेज, देखो नेबरहुड सर्विसेज क्या है, ड्यू टू दीज नेबरहुड सर्विसेज द लाइफ ऑफ द पीपल, ये वो फैसिलिटीज हैं विच द पीपल गेटिंग वाइल लिविंग इन दैट एरिया, ठीक है, ये वो फैसिलिटी हैं जो उन पीपल्स को मिल रही हैं जो इस उस एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी सर्विसेज, ठीक है। तो नाउ A community needs some services to keep the community clean and make lives of people living there comfortable. Same वही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। See हम बोलते हैं ना जैसे we keep our house neat and clean so that we are fit and healthy. इसी तरह जिस surroundings में हमें रह रहे हैं बेटा वो surroundings भी तो clean होनी चाहिए, ठीक है। Then only you are fit and healthy. आप बाहर जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, जगह जगह गड्ढे हैं, पानी खड़ा हुआ है, ऐसा अगर आपकी सराउंडिंग है तो डैट एरिया इज लॉट ऑफ डिजीजेस स्प्रेड इन डैट एरिया। तुम लोगों को पता ही है दीज स्टैंडिंग वाटर इज द बर्थ प्लेस ऑफ द मॉस्किटोज, ब्रीडिंग प्लेस है इन मॉस्किटो की, ठीक है। मच्छर क्या है, मच्छर किसमें, बहुत ज्यादा मच्छर किसमें निकलते हैं, पानी में ना मच्छर होते हैं, ठीक है, तो उनकी ब्रीडिंग प्लेस है, तो ऐसे एरिया में हमेशा बीमारी रहेंगे लोग, ठीक है। तो इसलिए हमारी सराउंडिंग्स क्या है, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। सो जनरली दैट अनदर सेकंड पॉइंट दीज सर्विसेज आर, और इसमें क्या क्या सर्विस, जैसे मैंने आप लोग के नेबरहुड प्लेसेस की बात की थी तो एक मैंने पिक्चर बनाया था नेबरहुड प्लेसेस में आपकी लाइफ कंफर्टेबल और क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे आपके बगल अगल क्या कोई हॉस्पिटल होना ही चाहिए, क्योंकि द पीपल दोज हु आर लिविंग इन दैट एरिया इफ समवन फेल सिक देन व्हाट हैपन, आप कहाँ लेके जाओगे, रात में भी कभी कभी हो सकता है कोई बीमार हो जाए, तो उस लोकेलिटी में कोई हॉस्पिटल होना ही चाहिए, ठीक है। स्कूल होना चाहिए फॉर स्मॉल किड्स टू स्टडी, क्यों, बड़े बच्चे दूर भी जा सकते हैं, जब पेरेंट बच्चे बहुत छोटे हैं तो माँ बाप जब स्कूल का सिलेक्शन करते हैं दे ऑलवेज टेक दिस थिंग इन देयर माइंड कि ज़्यादा दूर बच्चे ना जाएं, तो लोकेलिटी में स्कूल होना चाहिए, बैंक होना चाहिए लोकेलिटी में, वेयर यू कैन कीप योर मनी सेफ, ओके, एंड गुड फैसिलिटी ऑफ ए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए बच्चों के लिए, बच्चे क्या पार्क में तो किसी भी एज के ग्रुप के लोग जा सकते हैं, पर एक हो गया कि पार्क भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, देखो बोला कि कम्युनिटी नीड्स सम सर्विसेज टू कीप द कम्युनिटी क्लीन, कुछ ऐसी सर्विसेज चाहिए जो कि कम्युनिटी को क्लीन भी रखें एंड मेक लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग देयर कंफर्टेबल। जब फैसिलिटीज अच्छी होती हैं तो हमारी लाइफ ऑब्वियसली बहुत कंफर्टेबल होती है, ठीक है। ये हम कहते हैं लाइफ कंफर्टेबल कर दी, लाइफ कंफर्ट, अरे लाइफ कंफर्टेबल कैसे होती है, व्हेन यू हैव वेरी गुड फैसिलिटीज, बहुत अच्छी फैसिलिटीज होंगी तभी ना आपकी लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल होगी, इज इट क्लियर। आरामदायक, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक लाइफ, ठीक है। तो अब देखो कुछ कॉमन सर्विसेज जो डिस्कस किया है, जो कि पीपल लिविंग इन एनी कम्युनिटी, ये चीजें बेसिक नीड की चीजें होनी ही चाहिए हर जगह, ठीक है, दैट इज डिस्कस इन दिस क्वेश्चन। अब देखो शहरों में जाओगे, शहरों में देखो बड़े शहर हैं, शहरों में सुविधाएं बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। अगर टाउन्स में जाओगे वहाँ उससे कुछ कम होगी, विलेजेस में जाओगे वहाँ के लोगों की लाइफ उससे कुछ कम होगी, तो कम्युनिटी लिविंग में डिफरेंस है, दिस डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू दीज फैसिलिटीज, ठीक है। ये जो डिफरेंस आ रहा है यही फैसिलिटीज से डिफरेंस आ रहा है,
वहां के जो लोग रह रहे हैं शहरों के बड़े शहरों में, उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, ठीक है, और विलेज और दूसरे शहरों में उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। आप खुद ही सोच लो, जैसे मेट्रो है, मेट्रो ट्रेन इंडिया के सारे पार्ट में चलती है? नहीं, सारे इंडिया में मेट्रो चलती है? नहीं, रेलवेज चल रही है, लेकिन मेट्रो सब जगह नहीं चल रही है, ठीक है। आप ट्रैफिक रूल्स को कंट्रोल करने के लिए आप बड़े शहरों में जाओ, यू गो टू दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, वहां इतने ब्रिजेस हैं कि, लेकिन अपने शहर की बात करो, यहाँ कितने ब्रिज हैं, ठीक है। तो ये मतलब फैसिलिटीज क्या है, जितनी बेटर फैसिलिटीज होगी उतनी आपकी लाइफ क्या है, ज्यादा कंफर्टेबल होगी। इज इट क्लियर? तो उस अगर डिस्कस करने लगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। मेट्रो सिटीज में जाओ, रोड्स इतने नीट एंड क्लीन होते हैं और एकदम रोड बिल्कुल बढ़िया होते हैं, ठीक है, ब्रेक्स नहीं होते हैं। यहाँ के रोड से कंपेयर करो, यहाँ जगह जगह आपको सड़कें टूटी मिलेंगी, गड्ढे मिलेंगे, ठीक है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैं। अब देखो, अब यहाँ कुछ बेसिक फैसिलिटीज की बात की है जो मिलनी ही मिलनी चाहिए हर कोई भी पीपल, चाहे जिस भी कम्युनिटी में रह रहा है। क्योंकि आप अच्छे बहुत हाई फाई कम्युनिटी में रहोगे या लो कम्युनिटी, लोग तो बीमार होंगे ही होंगे। बैंक की जॉब सबको पड़ती है, प्योर वाटर सबको चाहिए। देखो विलेजेस में कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, वो शहरों में नहीं है। फ्रेश एयर, एनवायरमेंट पोल्यूशन वहां बहुत लेस है, एयर बिल्कुल फ्रेश है, वहां के लोग ज्यादा फिट एंड हेल्दी होते हैं। ये सब चीजें तुम्हें शहर के लोगों में नहीं मिलेंगी। फैसिलिटीज उनके पास बहुत होंगी, लेकिन जो क्लाइमेट है, जैसे आप ही 39 GTC में रहते हो, कितना इन्वायरमेंट बेस्ट है वहां। देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज इन दैट एरिया, पॉल्यूशन इज वेरी लेस इन दैट एरिया। आप वहां से हटके कहीं शहर में घर लेके रहने लगो, एक ऐसे, क्योंकि बात से नहीं डिफरेंस उतना तेज समझ में आता है। अगर आप 1-2 महीने कैसे ऐसे एरिया में रहने लगो जो बहुत ही क्राउडेड एरिया है, देखो आपको खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो हियर आर सम बेसिक बेसिक नीड्स हैं जो कोई भी कम्युनिटी उसको जरूरत होती है। जैसे दीज सर्विसेज आर मेडिकल सर्विस, दैट इज मोस्ट कंपल्सरी, हर कोई बीमार होता है, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी में हो। सो मेडिकल सर्विस होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू वॉन्ट दैट द विलेज पीपल्स और विलेज ऑल्सो डेवलप लाइक अ बिग बाय लाइक अ टाउन्स एंड सिटी, तो मेक मोर एंड मोर रोड्स इन दैट विलेजेस। क्योंकि जब रोड ज्यादा होंगे तभी तो बेटा वहां गाड़ियां आएंगी। जब रोड ही नहीं होगा तो गाड़ी क्या हवा में आएगी? नहीं आएगी ना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कब से? जब रोड्स बेटर होंगे, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। मान लो लोगों को जाना होता है तो देयर शुड बी फैसिलिटीज, ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि इतना वॉकिंग डिस्टेंस कितना आदमी कवर करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वेस्ट डिस्पोजल, अब इतने हाउसेज हैं, 100-200 हाउसेज हैं, लॉट ऑफ गार्बेज हो रहा है, हर हाउस घर से कूड़ा निकल रहा है। ओपनली आप लोग स्ट्रीट में, कोई भी स्ट्रीट में या ग्राउंड में या सड़कों पे फेंक दोगे तो वो इन्वायरमेंट क्लीन रहेगी? नहीं रहेगी। तो जो वेस्ट है उसका भी प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है। वाटर सप्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सारा कुकिंग का में वाटर ही यूज होता है, ठीक है। फॉर क्लीनिंग वो तो अलग चीज है, कुकिंग में वाटर एंड दैट वाटर शुड बी नीट एंड क्लीन, ठीक है, अदरवाइज यू विल सफर फ्रॉम लॉट ऑफ डिजीजेस, ठीक है। सिक्योरिटी, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिक्योरिटी, जहां आप रह रहे हो वहां आपको सेफ लगना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारी लाइफ वहां सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होती है जहां सिक्योरिटी बेटर हो, ठीक है। बैंकिंग एक्स्ट्रा बैंकिंग है, बैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन कीप देयर इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीशियस थिंग्स, ज्वेलरी है, ये सब अपना पैसा आप बैंक में रख सकते हो, ठीक है। सो एनी टाइम इफ यू वांट द मनी फ्रॉम द बैंक, तो आपको अब लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती है। विद द हेल्प ऑफ एटीएम
you with in a few seconds you get the money. So that are the good facilities. Okay, so ये कुछ basic ऐसी चीजें हैं जो people living in any community, whether it is a rural area, गांव का area है या urban area, शहर का area है, ये सारी facility कुछ basic होनी चाहिए. ठीक, तो that is the explanation of this question. Now note down the next question. Question number 2. How are the women organization helping the weaker section women and children? Firstly, note down the answer and after that I give you the explanation. The woman organization look after the welfare welfare of women and children hygiene health education self-employment the woman organization look after the welfare of women and children. The work of hygiene, health, education, self-employment, extra. ठीक है, these organize
वर्कशॉप वर्कशॉप सेल्स एक्स्ट्रा टू मेक द वुमन सेल्फ डिपेंडेंट फॉर एग्जाम्पल यूनिसेफ सेवा NCW ठीक है ओके सी स्टूडेंट द वुमन ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन द वर्क ऑफ हाइजीन हेल्थ एजुकेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक मिनट जरा सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दीज ऑर्गेनाइज वर्कशॉप सेल्स एक्स्ट्रा टू मेक द वुमन सेल्फ डिपेंडेंट फॉर एग्जाम्पल यूनिसेफ सेवा NCW ठीक है अब देखो क्या है द वुमन ऑन लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन ठीक है अब ये लोग किसके लिए वर्क करते हैं बच्चों के लिए और वुमन्स के लिए And on which area they focus? That is the hygiene. ठीक है हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इसकी हमें टेक केयर करनी चाहिए ना अब ये लोग जा क्या है दे आर सो पुअर ये इतने गरीब लोग हैं कि एक तो एजुकेशन नहीं है देखो लाइफ में सबसे जरूरी क्या है एजुकेशन है एजुकेशन अगर हमारी अच्छी है तो वी गेट अ राइट गोल We get some good goal in our life. हमारी लाइफ में कुछ अच्छा लक्ष्य हमें मिलेगा ठीक है ये इतने पुअर पीपल्स हैं मतलब इतने गरीब लोग हैं बेटा ये लोग कि इनके पास ये इतनी बड़ी जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हाइजीन की बात कर रहे हैं हेल्थ की बात कर रहे हैं एजुकेशन की ये इनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है दे डोंट हैव इवन इनफ मनी टू ईट एंड टू फीड देयर चिल्ड्रन ठीक है इनके पास रहना है क्या अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी मनी नहीं है इतनी इनफ ठीक है सेकंड थिंग क्या है ये एक तो अनएजुकेटेड वुमन्स हैं देखो कई एरिया में तुम लोग को बस समझाने के लिए बता दिया बहुत सी वुमन्स हैं जो हो सकता है ऐसा हो जिसका बाई चांस कोई उसका हस्बैंड ना हो ठीक है और द वुमन इज टोटली नॉट एजुकेटेड अब उसके बच्चे हैं दो तीन व्हाट शी विल डू तो ये सब जो संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन है ये ऐसी वुमेन्स की हेल्प करती हैं उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाती हैं उन वर्कशॉप्स कराती हैं वहां उन्हें दे टीच देम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो चलो कपड़ा सिलना सिखा दिया कुछ और सिखा छोटे छोटे हम लोग कहते हैं ना स्मॉल स्मॉल लघु उद्योग जो कहते हैं तो छोटे मोटे ऐसे काम इन औरतों को सिखाने जिससे कि ये सेल्फ डिपेंड बन सके मतलब किसी और पे आश्रित नहीं रहे दे कैन अर्न देयर ओन मनी और बच्चों के भी है क्या बच्चे पेरेंट्स इतने ज्यादा दे डोंट हैव मनी इतने ज्यादा पुअर हैं कि इनको देख नहीं सकते पढ़ा नहीं सकते तो ऐसे बच्चों के हेल्थ हाइजीन आपके मम्मी पापा आपके हेल्थ की पूरी केयर करते हैं ना ठीक है अब इनके मम्मी पापा के पास उतने पैसे ही नहीं है और ना तो वो इतने एजुकेटेड हैं तो ऐसे बच्चों के गरीब बच्चों की उनके हेल्थ का ख्याल रखना ठीक है बहुत से बच्चे देखो गरीब बिना दवाई के भी कई बच्चे मर जाते हैं आप समझ रहे हो बात ठीक है कई बच्चे ऐसी सोसाइटीज ऐसी कम्युनिटीज में कई बच्चे ऐसे हैं ड्यू टू
मेडिसिन ही नहीं हो पाती उनकी हेल्थ का कोई दे, ऐसे भी बच्चे कई डेथ करते हैं जो कि माल न्यूट्रिशन मैंने तुम लोगों को फूड वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो 1 to 5 ईयर्स के बच्चों को ज्यादा होता है ऐसी, उनको डाइट ही नहीं मिलती, इतनी ज्यादा उनके डाइट में प्रोटीन की कमी होती है कि उनको माल न्यूट्रिशन भी हो जाती है, ये कम एज के बच्चों में होती है। तो इस तरह ये बच्चों की और वुमेन्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो डेट इज इन द क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।